का टाइटल रहता है यादव आर्ट हरदा, और मैं ये अपना छत्तीसगढ़ कल्चर से रिलेटिव पेंटिंग ये सब किया। सर इस पेंटिंग के बताएं कि इसमें आप कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से कलर का यूज़ करते हैं? हाँ, इसको तो मतलब एक्रेलिक कलर से है, ऑयल कलर से है, और इसको तैयार करने में कम से कम 2-3 दिन लग जाता है एक पेंटिंग में। ये जो पेंटिंग है सर, वो किस पर बनी हुई रहती है? ये कैनवास कपड़ा है और एवरी पेपर से, अभी जो मैं बनाया हूँ वो सब दो ही चीज़ से बना है। तो एक पेंटिंग बनाने में लगभग 3 दिन लग जाते हैं, वो कैसे 3 दिन लग जाते हैं इसमें? वो क्या है कि मतलब पूरा डिटेलिंग देना होता है, और इसमें आप देख सकते हो कि एक एक बाल को, एक एक झुर्री को मतलब दिखाने का मैं प्रयास किया हूँ, और इसी कारण मतलब एक पेंटिंग में 3 से 4 दिन लग जाता है। इसी प्रकार से आप अपने, हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से भी आप पेंटिंग बनाते होंगे, तो क्या उनमें भी पूरा इस प्रकार का समय लग जाता होगा? नहीं, उसमें थोड़ा सा कम समय लगता है, और अपना पोर्ट्रेट पेंटिंग में ज़्यादा समय लगता है। क्या है कि पोर्ट्रेट में मतलब एक एक चेहरा का मतलब हर चीज़ को बारीकी से उकेरना होता है, और अपने छत्तीसगढ़ कल्चर का जो पेंटिंग होता है वो थोड़ा सा कम समय लेता है। मतलब जो पोर्ट्रेट पेंटिंग हम बनाएंगे उसमें टाइम लग जाएगा, और जैसे कोई सीनरी वगैरह बनाते हैं उसमें कितना समय लग जाता है? उसमें एक दिन में हो जाता है वो। हाँ, नहीं, जो ये जो पेंटिंग किया है सर वो बहुत खूबसूरत है। आपकी जो पेंटिंग की जो कलाकारी है सर, उसके बारे में आप हमें बताएं कि इसकी जो कलाकारी है जो आपके अंदर आई है वो कैसे आई है, ताकि हम अपने नई पीढ़ी के लड़कों को, लड़कियों को बता सकें। जी सर, ये क्या है कि मेरा बचपन से ही शौक था, और मैं बचपन से ही चित्रकारी करता था स्कूल टाइम से, और जैसे जैसे अपना बढ़ता गया फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसको मैं और ज़्यादा सुंदर बनाने का कोशिश किया हूँ। ये जो कला का प्रदर्शनी हो रहा है, ये जो कला का प्रदर्शनी हो रहा है, उसे जो कराने का जो माध्यम है वो क्या है? ये मतलब ये कार्यक्रम के बारे में कि मेरा पेंटिंग के बारे में बोल रहे हो? अभी कार्यक्रम के बारे में, साथ आपके पेंटिंग के बारे में। हाँ, मेरा यही है कि मेरा वो छत्तीसगढ़ रिलेटिव कल्चर से मेरा पेंटिंग है अपने ग्रामीण अंचल वाला, और मैं ये किया हूँ कि मतलब जो अभी के जो पीढ़ी जो नई देखे हैं उसको मैं किया हूँ। जैसे अपना ये वाला पेंटिंग है ना, वो टायर वाला है, ये सब अभी के जनरेशन नहीं देख पाया है, उसको मैं पेंटिंग के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। मतलब पेंटिंग के माध्यम से हमारे जो नई जनरेशन है वो हर चीज़ को समझ सके, हमारे संस्कृति के जो गांव की स्थिति है वो सारी को समझ सकें। हाँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।